Hi everyone, my name is Pankaj Dhingra and as you all know me by now, I am a proud FinTrammer. बहुत सारे बच्चे जो USCPA कर रहे हैं वो ये स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, वो टिप्स जानना चाहते हैं दैट कैन रियली हेल्प देम कमिंग अप विद द फ्लाइंग कलर्स इन देयर एग्जाम. और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते भी हैं जो पूछते हैं सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही टू अचीव सच हाई मार्क्स इन USCPA एग्जाम. तो चलो बच्चे आज हम बात करेंगे वो पांच टिप्स की, वो पांच एरियाज की जिसने मुझे बहुत हेल्प किया बच्चे, you know, to score, of course, what I scored in USCPA exam. And I'm sure these tips will certainly help you as this has been helping various students around the world. So, chale, jaane wo paanch tips kya hai? But before you really go in there, do subscribe to our channel, FinTram Global, for keep getting these informed videos. Now, coming up to my tip number one. सबसे पहली टिप है बच्चे, एक अच्छा प्लान जो आपको बनाना पड़ेगा अपने USCPA करिकुलम के लिए, चाहे वो बच्चे कोई भी एग्जाम हो, फार हो, रेगुलेशन हो, या यू नो फॉर दैट मैटर ऑडिट हो, या कितने भी सब्जेक्ट आपको यू नो प्लान करने हैं या जो आपने देने हैं, आपको बच्चे उन सब की अच्छी सी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कब देना है. FinTram तो ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगा ही इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑन टू द राइट प्लान, बट वो प्लान जब आपके पास होगा तो दैट वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑफकोर्स गोइंग बैक एंड ऑफकोर्स प्लानिंग योर डे, योर वीक, योर मंथ एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कि सर मुझे चार महीने में फार का एग्जाम देना है, तो आप बैकवर्ड मूव कर सकते हो एंड देन यू कैन प्लान कि ऑफ कोर्स मुझे वीक वन में क्या करना है, वीक टू में क्या करना है, वीक थ्री में क्या करना है, वीक टेन में क्या करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो मुझे एक स्टडी प्लान है बच्चे, दैट इज द बेसिक, दैट इज द नीड फॉर यू टू रियली डू वेल इन द एग्जाम. सो स्टार्ट पॉइंट आपका रहेगा कि एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाओ, डिसाइड करो कौन सा एग्जाम अपने कब देना है. ऑफ कोर्स दिस विल टेक इनटू कंसीडरेशन आपका कौन सा बिजी टाइम होने वाला है, कब आपका मंथ एंड होगा, कब आपका क्वार्टर एंड होगा, कब आपका ईयर एंड होगा, बट डिसाइड करो बच्चे वो कौन सा टाइम है जो आपको चाहिए होगा एंड कब आप एग्जाम दे सकते हो. बैकवर्ड मूव करो, प्लान करो आपका डे, प्लान करो आपका वीक, प्लान करो आपका मंथ और बढ़े चलो बच्चे. That is the foundation for you to really be successful in the USCPA exam. Ensure that you have a right study plan being available for you. Agar koi help chahiye study plan mein, you can also reach out to us. Aap comment box mein bhi likh sakte ho. We are more than happy to get something out there. All right, ab aate hain bachche apni second tip. स्टडी प्लान तो बन गया सर, बन गया स्टडी प्लान, अब मेरे पास स्टडी प्लान है, मैंने निकाल लिया सर मुझे मंथ में क्या करना है, वीक में क्या करना है, डेली क्या करना है, अब क्या सर, अब है बच्चे उसको रिगरसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना. हम प्लान तो बहुत सारे बनाते हैं बेटे, बट फिर हम मंथ एंड में अटक जाते हैं, क्वार्टर एंड में अटक जाते हैं, ऑडिट में अटक जाते हैं. मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी. आई वॉज वर्किंग फॉर ए लिस्टेड कंपनी दैट पॉइंट इन टाइम. It was just not easy, right? To follow approach, follow it rigorously, follow it consistently, आसान नहीं होता है. And that is what you really need to ensure, my friend, that जो भी plan आपने बनाया है, आप उसे rigorously, consistently follow करो. जैसे मैं करता था, मैं ensure करता था कि मुझे 3 घंटे daily पढ़ना ही है, चाहे कोई भी दिन हो. 1 घंटा सुबह office से जाने से पहले और 2 घंटा ऑफिस के आने के बाद मैंने लगाने ही हैं, कुछ भी हो जाए. Of course, weekend पे ज्यादा time लगाऊंगा, but ये time तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा. बच्चे अगर आप ये मिस नहीं होने दोगे ना, तो आपकी जो तैयारी होगी ना, जो 3 महीने बाद जो खड़ी हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम इन ए वंडरफुल वे. सो दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने स्टडी प्लान को कंसिस्टेंटली और रिगरसली फॉलो करो. मिस नहीं होने देना है. अगर एक दिन मिस हो भी जाए तो अगले दिन उसको कैप्चर करो. मिस नहीं होना चाहिए. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है. अब हम चलते हैं बच्चे अपनी थर्ड टिप पे. हमारी थर्ड टिप है बच्चे प्रैक्टिस के ऊपर. बच्चे स्टडी प्लान या स्टडी स्केड्यूल बना लेना और उसको फॉलो करना तो एक बात है, बट उस पर आइसिंग ऑन द केक वुड बी कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, सिलेबस एरिया आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, सिमुलेशंस प्रैक्टिस करते चलो डे वन से. हम अपने सेशंस में तो सेशंस के अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सिमुलेशंस कराएंगे. बीच बीच में भी यू नो ऑफ कोर्स वी कम अप विद द रिवीजन बूट कैंप्स, जहां हम इंश्योर करते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ करो, जहां हम हाईलाइट कर सकें बच्चे यहां यहां आप गलतियां कर रहे हो, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है. बट बच्चे ये चीज आपको खुद भी जरूर करनी है, आपको जरूर से प्रैक्टिस करना है एज मच एज पॉसिबल टू इंश्योर दैट यू हैव टेकन दोज एमसीक्यूज दैट आर देयर विद यू इन आर एलएमएस
that you have, you know, that you have solved it, and of course you have gone through those simulations to ensure that you are not missing onto it. मैं कम से कम दो से तीन बार उन MCQs या simulations को जरूर करने के लिए अपने हर student को बोलता हूँ, and I can tell you that is one of the reason, my friend, I have successful students who are qualified CPAs around the world now. AICPA भी newly release questions के साथ आता रहता है और वो भी हम अपने students को provide करते हैं. बच्चे वो भी जरूर solve करने हैं, because कई बार questions straight away उसमें से उठ के आ जाते हैं. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको करना है. ठीक है सर, समझ हो गया सर, बिल्कुल क्लियर आ गया सर. स्टडी प्लान बनाना है सर, रिग्रेसली फॉलो करना है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिमुलेशन प्रैक्टिस, AICPA के न्यूली रिलीज क्वेश्चंस सॉल्व करते रहने हैं सर, दो से तीन बार सॉल्व करने वाले हैं सर. और बताओ सर, और ऐसी कोई चीज है जो हमें जाननी है? बिल्कुल है बेटे, एक ऐसी चीज है बच्चे जो बहुत सारे बच्चे ना ग्रांटेड ले लेते हैं, गलती कर जाते हैं बच्चे इस चीज को ग्रांटेड लेके. वो ये चीज है बच्चे कि ना ये भूल जाते हैं कि ये जो एग्जाम है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. यहाँ पे ना आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा बच्चे, वाया कंप्यूटर, वाया टाइपिंग. आपको एग्जाम में जाके टाइप करना है, आपको सिमुलेशन में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ सकती हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी ना वहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो एक तो मुझे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए. ऑफकोर्स यू नो हम अपने बच्चों को तो यू नो विल टेक देम थ्रू एनी विच वेज, यू नो इन आर सेशंस एंड ऑफकोर्स इन आर LMS, बिकॉज दे कैन प्रैक्टिस द फुल फ्लेज्ड एग्जाम ओवर देयर. बट इंपॉर्टेंट पीस इज कि बच्चे आप ना ये प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है किसी भी कारण से, जो जनरली आजकल नहीं होती है, बिकॉज जनरली बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, बट किसी भी कारण से अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो यू नो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट. And of course, you know, Fintran can really help you on to that. If you need any help there, aap comment box mein likhna. We can really, really, you know, circle back with you and help you in terms of, you know, how can you improve your typing speed. But very important to know the CBE exam and of course, have a good typing speed there. Last kya hai sir, ab 5vi tip bhi bata do sir. 5vi tip bhi chahiye sir. Because we really want to come up with the flying colors. I'm loving you, my friend, for that. That should be the spirit. Agar ye spirit aa gaya na bacche ki haan main to sir band baja ke aaunga exam mein, to band pakka se bajega bacche exam mein, pakka se. But tips to hame follow karne hain. To ab aap aate hain apni 5vi tip pe. Hamari 5vi tip hai bacche, aapko ye sab kuch karne ke baad, content padh liya, practice kar liya, question study plan bana liya, follow kar liya, sab kuch kar liya, mock exam dena nahi bhoolna. आपको कम से कम दो से तीन मॉक एग्जाम देने हैं बच्चे एग्जाम में जाने से पहले, और देखना है कि कहाँ गलती हो रही है. क्या मैं एग्जाम खत्म कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों? मैं कर पा रहा हूँ अगर, तो क्या मैं हर क्वेश्चन को जस्टिस दे पा रहा हूँ? नहीं टाइम दे पा रहा हूँ. मेरी जो टाइम लिमिट मैंने एक क्वेश्चन के लिए सेट की है, जो हम बच्चों के साथ ऑफकोर्स शेयर करते हैं, बताते हैं, जो मैक्सिमम टाइम उन्हें लगाना है, क्या मैं वो रिग्रेसली फॉलो कर रहा हूँ? यहाँ कहीं गलतियाँ हो रही हैं, और हो रही है तो किस टॉपिक में हो रही है, कहाँ हो रही है? एमसीक्यू में हो रही है या सिमुलेशन में हो रही है? सिमुलेशन में कहाँ हो रही है? कैलकुलेशन में हो रही है या राइटिंग पीस में हो रही है? ये सारी चीज समझनी जरूरी है बेटे. जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं ना बच्चे, तो उन पर हम काम कर पाते हैं, उनको हम इम्प्रूव कर पाते हैं. जब आप समझोगे तभी इम्प्रूव करोगे, और समझोगे तब जब मॉक एग्जाम दोगे. हम तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंश्योर करते हैं बच्चे कि उन्हें मॉक एग्जाम देना है, बट आपने जरूर मॉक एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, और ऑफ कोर्स किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है टू टेल यू दैट यू वेयर द थिंग्स आर गोइंग ऑन. इफ यू नीड एनी हेल्प देयर, कमेंट करो बच्चे, वी कैन सर्टेनली हेल्प यू विद दैट. ये वो 5 टिप हैं बच्चे दैट हैज रियली हेल्प मी एंड ऑफ कोर्स माय स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, जो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज में क्वालिफाइड सीपीए बन के बैठे हुए हैं, एंड आई एम श्योर दीज टिप्स विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स व्हेन यू विल सेट फॉर इट. I hope these 5 tips certainly helps you in your exam. अगर आपको और ढेर सारे ऐसे वीडियोस चाहिए, do subscribe to our channel. We are there to help you with all of that. Now that's what I really wanted to cover, my friend, in this video. I'll see you again in the next one. Till then, this is Pankaj Dhingra, a proud FinTrammer, signing off. Because CPA bole to FinTrammer.